आपके सामने एल्ट्रोज का सीएनजी है और साथ ही साथ उस्ताद जी भी मेरे साथ मौजूद है। उस्ताद जी बताएंगे सीएनजी के लिए कितनी कारगर है एल्ट्रोज, तो उस्ताद जी के माध्यम से जानते हैं। देखिए मारुति ने सीएनजी अपना दे दिया, हुंडई ने सीएनजी अपना दे दिया, अभी टाटा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग कर रहे थे कि टाटा भी सीएनजी लाए, और ये पंच टियागो तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार सीएनजी टाटा लाए, जो भी टाटा मजबूती में भी ठीक है, इंजन भी ठीक है, सीएनजी नहीं है, सबसे माइनस पॉइंट है था। अभी सीएनजी लेके आया टाटा ने, तो बड़ी लोगों को खुशी हुआ, बहुत इंतजार था इस गाड़ी का, काफी दिन से वेटिंग थी, लोग चाहते थे कि यार सीएनजी आए टाटा में, लेकिन टाटा तो कोशिश कर रहा था, अभी नेक्सॉन पे भी ट्राई कर रहा है, नेक्सॉन फ्लेक्स पे ट्राई कर रहा है, अभी फ्लेक्स इंजन जो आ रहे हैं टाटा के वो नेक्सॉन पे ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी पूरा विजिबल नहीं किया, लेकिन आई सीएनजी ले आया, ये तो प्लस पॉइंट है ना, लोग इंतजार ही कर रहे हैं सीएनजी आ भी गई, इसके लिए और बढ़िया पॉइंट रहेगा। तो टाटा आप इसके इंजन के लिए उसका जी क्या सोचते हैं, इसका इंजन सीएनजी के लिए कितना कैपेबल होगा? हाँ वो कैपेबल होगा, डीजल इंजन टाटा का थोड़ा सा वीक है, लेकिन सीएनजी इंजन मुझे लग रहा है कि बढ़िया होगा। पता क्या है, और हुंडई ने आरएनडी नहीं किया सीएनजी पे, तो उनके जो सीएनजी है वो उतने परफेक्ट नहीं है जितना मारुति का, क्योंकि मारुति आरएनडी करती रहती है सीएनजी पे, अभी टाटा है सीएनजी लाई है, इस पे आरएनडी करेगी, जितना आरएनडी होता है उतना खुल के निकलता है इंजन, तो मुझे लग रहा है कि दमदार इंजन होने वाला है टाटा का, एक पंच का टियागो का जो टाटा का इंजन है, सीएनजी इंजन पेट्रोल इंजन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो पेट्रोल इंजन में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब सीएनजी में भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डीजल से बढ़िया इनका पेट्रोल इंजन है, तो फिर मतलब वो भी सीएनजी, और क्या सोने में सुहा गाड़ी फाइव रेटिंग, टाटा की गाड़ियां नेक्सॉन जैसी गाड़ियां टियागो जैसी गाड़ियां फाइव रेटिंग इतना ले आ रही है, तो और तो लोगों के लिए बेनिफिट का सौदा है कि फाइव स्टार रेटिंग में भी सीएनजी मिल रही है, तो वही कहीं देखा जाए तो टाटा सीएनजी में कमाल करके दिखाएगी, बहुत बढ़िया करके दिखाएगी, और मुझे लग रहा है देश पूरा पसंद भी करेगा, इंतजार भी था इसका, और एल्ट्रोज रेसर देखो वो आ गई, और एक और टियागो सीएनजी उसके पीछे साइड में, तो वो भी आ गए, तो बढ़िया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में और नेक्स्ट गाड़ी पे चलते हैं, इसका रिव्यू करेंगे।